ट्रैफिक में फंसना वाकई परेशानी जनक है, और परेशानी तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि बाजू वाली लेन में गाड़ियां हमसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस परिस्थिति में हम क्या करने की कोशिश करते हैं? हम लेन बदलने की कोशिश करते हैं, और जिस क्षण हम लेन बदलते हैं उसके बाद क्या होता है? पुरानी लेन चलने लगती है, और जिसमें हम प्रवेश करते हैं वो धीमी हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी? जब आप पिछले कुछ समय के प्रदर्शन के आधार पर एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करने का प्रयास करते हैं, तब भी ऐसा ही होता है। जब किसी स्कीम का कुछ समय तक प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, तब ज्यादातर निवेशक उस स्कीम से बाहर निकल जाते हैं, और हाल के दिनों में जिस स्कीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है उस स्कीम में प्रवेश करते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली और सबसे खराब प्रदर्शन देने वाली स्कीम हर साल बदलती रहती है। पिछले वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाले सेक्टर, स्कीम या एसेट क्लास अगले वर्ष भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखे, इसकी संभावना कम है। शॉर्ट टर्म में धीमी गति के कारण ट्रैफिक लेन और म्यूचुअल फंड स्कीम बार बार बदलना अच्छा आइडिया नहीं है। वेल्थ क्रिएशन करने हेतु वित्तीय सलाहकार की मदद लें, और पोर्टफोलियो में अलग अलग सेगमेंट की स्कीम में डाइवर्सिफाइड करके लंबे समय तक धीरज से पोर्टफोलियो के साथ बने रहे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।